कुछ सामने है प्लीज, वो कर दिए चेकिंग। तो हे गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप बढ़िया होंगे, आगे बढ़िया रहना। तो गाइस, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। तो मैं अभी कॉलेज में गया था, वहाँ मैंने पता किया कि क्लासेस कब से स्टार्ट है। तो वो कह रहे थे कि 7 तारीख से स्टार्ट होगी क्लास, तो यहाँ भी रह के क्या करना है। तो आज ऐसा करता है कि मैं आज गाँव जाता हूँ, तो पहले खाना पीना बना लेता हूँ। मैंने वैसे नाश्ता नहीं किया, पहले नाश्ता बना लेता हूँ, नाश्ता खाता हूँ फिर चलता हूँ। मैंने शॉर्टकट में खिचड़ी रख दी है, इसको खाते हैं चलते हैं। तो गाइस, सब पैकिंग हो चुकी है, तो चलते हैं। ये चूल्हा मुझे दुकान पे देना है, तो वहाँ से जब मैं नीचे आऊँगा रुड़की, तो मैं नया लेके आऊँगा वहीं से ही। तो वैसे पेमेंट सब करे हुए हैं, तो चलते हैं, इसे देते हैं वहीं दुकान पे। ये ले लो भैया, तो नया बाद में लेके जाऊँगा। तो गाइस, मुझे बस स्टैंड पे रुकना पड़ेगा, वहाँ से मिलेगी मुझे रुड़की की बस, तो चलते हैं वहाँ पे। तो फाइनली गाइस, तो बस आ चुकी है, तो यही है रुड़की हरिद्वार, तो चलते हैं इस पर, देखते हैं। चलते हैं अंदर। ओ, विंडो सीट। तो फाइनली हमें तो विंडो सीट मिल चुकी है, और यहाँ से चलेंगे रुड़की, अब रुड़की से देहरादून। बस में तो खैर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। तो फाइनली गाइस, मैं पहुँचने वाला हूँ रुड़की। मैं पहुँच गया हूँ रुड़की, अब यहाँ से बस अड्डे में उतर गया हूँ। अब यहाँ से देहरादून की बस पकड़नी है, देखते हैं कहाँ पे मिलेगी देहरादून की बस। फाइनली गाइस, बस मिल चुकी है, सीट दिव्यांग सीट, यहीं पर बैठ। तो अचानक से बारिश हो गई है, कुछ पता नहीं लगा मौसम का, अभी तक धूप थी, एकदम बारिश। पहले विंडो बंद कर देते हैं। तो पहुंचने वाले हैं देहरादून, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है अब। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड में। तो अभी तक पहुंच चुके हैं उत्तराखंड। सामने है पुलिस, वो कर रही है चेकिंग। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ क्लॉक टावर देहरादून में। गाइस, मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी के अंदर, बट गाड़ी के अंदर अभी कोई सवारी नहीं है। पता नहीं कब तक जाएगी, शायद 3 या 4 बजे निकलेगी यहाँ से, तो 6 या 7 बजे ऊपर पहुँच जाएंगे। यहाँ से निकल चुके हैं देहरादून से हत्यूड़। ये है गाइस देहरादून। यहीं पर टॉप पे मसूरी। तो यहाँ तो कोहरा ही है मसूरी में, बट यहाँ जो है ना सुकून की ज़िंदगी है मसूरी। कभी आप अगर जनवरी दिसंबर जनवरी में आओगे, तो यहाँ स्नोफॉल ज़्यादा पड़ती है। जो 3 लोकेशन है काफ़ी अच्छी है घूमने की जगह, जॉर्ज एवरेस्ट होगी, और लाल टिब्बा, और भद्रास टेम्पल। ये जो 3 जगह इतनी अच्छी है, जहाँ जन्नत ही जन्नत है। हाँ, लग गया है कोरा, और यहाँ रास्ते में पड़ा हुआ है मलबा। ये यहाँ से नीचे हमें बता, सब्जी पे पिकअप जा रखी है रणवीर भाई जी का, खाली सब्जी।